हफ्ते में ब्रोकन वॉल का कवर है, सर्कल बन चुका है ऑलरेडी एंड इस सर्कल के अंदर ज्यादातर टीमें हैं नहीं। फिलहाल टीम सोल को एक चैलेंज यहाँ पर मिलता हुआ देख सकता है। शायद यहाँ पर जो टीम रोटेशन दे रही है इनके नीचे जस्ट डाउन साइड से, उन्हें अंदाजा ना हो बट अब उन्हें अंदाजा लग जाएगा। बिल्कुल TSM FTX से ब्लेज ही देखने को मिल जा रहे हैं, व्हीकल से अपने आप को कवर में लेकर आना चाह रहे थे बट उसी दौरान व्हीकल बर्स किया गया वाइपर के द्वारा एंड एक फिनिश पॉइंट इनके खाते में आते हुए हायर ग्राउंड का बेहतरीन तरीके से फायदा उठा रही है टीम सोल। बिल्कुल इस बार काफी अच्छे नंबर के साथ भी आए इस मैच में, एक प्लेयर का यहाँ पे नुकसान हो जाएगा TSM के लिए। व्हीकल के साथ देखा गया पाक पीछे की तरफ कोशिश की शायद उनका व्यू ब्लॉक हो जाए लेकिन व्यू बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। इसके पीछे अगर बात करें तो मवी आज ये मिड पे बात करें तो कुछ अच्छे तरीके से मुझे लग रहा है कि जो स्क्रिम्स होते हैं जो प्रैक्टिस होते हैं वो तो अपना पार्ट है ग्राइंड करने का, लेकिन एक होता है ना कि आप खुद से भी कभी कभी जाते हो ट्रेनिंग ग्राउंड TDM प्रैक्टिस, वो कहीं ना कहीं मावी की तरफ से देखने को काफी अच्छे तरीके से लग रहा है क्योंकि जो स्प्रे है वो सीधा हेड को यहाँ पे बात करें जिस तरीके से चेस कर रहे हैं डैमेज कर रहे हैं नॉक कर रहे हैं फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। एंड TSM की बात करें एक कमाल की इनफॉर्म टीम है, उनको भी आप मौके नहीं दे सकते लेकिन उनको रोका जा रहा है। दूसरी तरफ बात करें एक्सोडिया यानी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के मेंबर्स को फाइनली इस मैच से एलिमिनेट कर दिया गया है, शुरुआत जो चाह रहे थे वो मिला लेकिन एक एक करके वो जो बिखरने की बात रही बिखरते चले गए और संभल नहीं पाए यहाँ पे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के मेंबर। जी हाँ बिल्कुल, रीपर एक्स के प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, 3 फिनिश पॉइंट्स निकाल चुके हैं, टीम टपा टप भी रोटेशन में निकल चुकी है चारों प्लेयर्स के साथ बट टीम सोल अब खतरे में नजर आती है। वाइपर को डाउन किया गया है, घातक सबसे आगे उनके पीछे नजर आएंगे नियो एंड चलते चलते यहाँ पर स्क्वाट करने की कोशिश रहने वाली है टीम सोल को। बिल्कुल यहाँ पे घातक की बात की जाए तो एक अच्छी कॉन्फिडेंस इनको पहले मैच से मिल चुका है, क्लचेस वहां भी ये कर चुका है, दोहराना चाहेंगे इस मैच में लेकिन इस बार टीम सोल वर्सेस टीम टापाडा वापस से ये फाइट हम लोग को देखने को मिल सकता है ना, 7 घातक का भी है तो देखते हैं किसके तरफ ये फाइट का जाने वाला है। स्टार्ट की बात करें लेकिन आप देखो तो घातक काफी ज्यादा आगे की तरफ जा चुके हैं, स्काउट की तरफ से स्प्रे आ सकते हैं, मवी की तरफ से स्प्रे आ सकते हैं, मुश्किल में डाला जा सकता है घातक को, थोड़े पीछे रहे तो बेटर रहेगा क्योंकि स्काउट के पास जो मैं एंगल देख पा रहा हूँ सॉरी यहाँ पे रेगल टॉस के पास जो एंगल होने वाला है उसमें अगर व्यू की बात की जाए ये थोड़ी से भी ऊपरी की तरफ है, ये जो रिच का सपोर्ट है वहां से घातक को फिर स्पॉट करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। वाइपर को बचाना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा क्योंकि TSM के एक्वानॉक्स आपको वो दिन याद दिलाता है डिवाइन चाय पे, ये तीनों ही टीम एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। टीम बात करें टपा टप को वहां पे एलिमिनेट किया गया था सोल की तरफ से एंड TSM की टीम ने एलिमिनेट किया था सोल को, तो वो चीजें यहाँ पे दोहराना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उस टाइम TSM के पास 2 प्लेयर्स थे, आज एकमात्र एक्वानॉक्स है। जी हाँ बिल्कुल, एंड मैं मानता हूँ कि सोलो है जरूर बट इंतजार करेंगे एक बेहतर मौके का जहां पर इनके सामने एक या दो प्लेयर हो एंड वो भी फाइट के दौरान डैमेज होंगे तो बिल्कुल उस मौके का इनका इनको इंतजार रहेगा। बट टीम टपा टप आज शायद अग्रेसिव फाइट लेने के ख्याल में नहीं है, वो थोड़ा सा फॉल बैक कर रहे हैं, रोटेशन में निकल चुके हैं। टीम ऑरेंज रॉक के आदित्य इस वक्त अपने आप को व्हीकल में रखते हुए IQ का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, टेस्ट्रो की तरफ से बढ़िया स्प्रेस किए गए डैमेज देने की यहाँ पर कोशिश बट टीम टपा टप के प्लेयर्स का एलिमिनेशन हुआ है। यहाँ पर रावण यहाँ पर व्हीकल से आगे बढ़ना चाह रहे थे, 2 प्लेयर्स को रनिंग व्हीकल से डाउन किया गया मवी की तरफ से, मवी आए थे वाइपर को रिवाइव देने के लिए बट वाइपर को रिवाइव तो नहीं दे पाए बट 2 फिनिश पॉइंट्स यहाँ निकाल चुके हैं। एक्चुअली अभी इनके पास 3 फिनिश पॉइंट्स अकेले के हैं, उजुमा के अपने आप को हायर ग्राउंड पर रखने की कोशिश कर रहे हैं एंड चल से चलते ये फाइट भी एंड होती हुई दिखेगी। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल हायर ग्राउंड से थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि नीचे आपके पास एक कवर आपको मिल जाता है। बिकॉज यहाँ पे बात की जाए तो बैक टू बैक यहाँ पे 2 मैचेस में अच्छी तरीके से यहाँ पे मवी की तरफ से परफॉर्मेंस की बात की जाए दोनों ही मैचेस में वो फाइट की बात की जाए तो अकेले ही फिनिश पॉइंट यहाँ पे जो एक बोल सकते हैं रेशियो वाइज काफी अच्छे तरीके से टीम सोल को दिला रहे हैं। उजुमा की कोशिश कर रहे हैं लेकिन व्यू मिलना यहाँ से इनके लिए मुश्किल रहेगा, इनको नीचे जाना पड़ेगा वरना मवी ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे मवी की बात करें तो आज के ऊपर स्प्रे की बात करें पोजिशन रिवील कर लेते हैं, उजुमा की स्प्रे की बात करें, यहाँ पे कंट्रोल की बात करें मिलेगा लेकिन आज जो कंट्रोल पे मवी है इनको रोकना मुश्किल साबित हो रहा है। जॉनथन पीछे हट चुके हैं यहाँ से क्योंकि पता है नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है लेकिन जॉनथन एक ऐसे प्लेयर है कि आप इन्हें पीछे नहीं कर सकते, इनकी डिसीजन क्या है वो देखने वाली बात होगी। एक अच्छा एंगल यहाँ से ढूंढेंगे कि कहाँ से टीम सोल को मुश्किल बना सकते हैं लेकिन मवी की बात की जाए आज के टेप पे यहाँ पे टीम टपा टप को यहाँ पे बात की जाए तो मुश्किल में डाला गया 1v4 मवी की तरफ से बात करें तो अकेले ही टीम टपा टप को एलिमिनेट कर दिया गया है। मवी को कोई रोक लो वरना आज इस लॉबी पे बहुत कुछ होने वाला क्योंकि 5 फिनिश पॉइंट 56 की ये लॉबी 17 टीम अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस आप देखो डिवाइन, अब ये मवी कहां जाके रुकने का नाम लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, मवी की तरफ से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस।